नमस्कार, आप देख रहे हैं टेन न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ रंजन अभिषेक। अभी हम लोग इंडिया एक्सपो स्मार्ट सेंटर जो है ग्रेटर नोएडा में वहाँ आए हुए हैं और यहाँ पहली बार इंडिया जीआई फेयर को अगर हम सरल भाषा में समझें तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी भौगोलिक संकेत का जो है भारत में जितने भी उत्पाद हैं जो इस श्रेणी में आते हैं तकरीबन 390 उत्पाद के आसपास हैं जो इस जीआई कैटेगरी में जीआई श्रेणी में आते हैं और उनका एक व्यापक और विस्तृत मेला जो है वो यहाँ लगा है। और यह अगर हम कहें तो भारत को आत्मनिर्भर भारत और विश्वगुरु बनाने की जो एक संकल्पना है वर्तमान सरकार की और 130 करोड़ भारतवासियों का, उसमें इसकी एक अहम और महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। चूँकि यह जो है भारत के लोगों द्वारा भारत की उत्पाद है, इसीलिए इसकी प्रमुखता अधिक है। अभी हम लोग यहाँ जो इसमें स्टॉल लगाए हैं अपना, मूलतः मधुबनी पेंटिंग जो एक विख्यात है जिसको मधुबनी पेंटिंग के तौर पर भौगोलिक संकेत मिला हुआ है, बिहार के उत्तरी बिहार के क्षेत्र में, मधुबनी और मिथिलांचल के क्षेत्र में इसे भौगोलिक संकेत के रूप में वहाँ इंडिकेट रेखांकित किया गया है। तो उसका स्टॉल लगा है, हम उनसे बात करते हैं। राजीव जी हैं हमारे साथ जो ये स्टॉल लगाए हैं, हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ आने का सफ़र और यहाँ से क्या कुछ अपेक्षाएं हैं। राजीव जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और अभी आगामी 3 दिन का जो यह पूरा मेला है उसके लिए बहुत शुभकामनाएँ हैं आपको। और मधुबनी बिहार के एक छोटे से गाँव से चलकर यहाँ तक आए, सबसे पहले तो ये जो अवसर मिला आपको यहाँ आने का, कैसा लग रहा है और इसमें EPCH की भूमिका क्या है? बहुत अच्छा लग रहा है और EPCH ने मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल और बहुत सारे जितने भी विभाग हैं उनसे जुड़ करके ये प्रोग्राम किया। तो वहाँ मतलब जो पहले गांव के लोग सोच नहीं सकते थे EPCH में मैं भाग लूँगा, उनको अवसर मिला है, उससे मुझे बहुत खुशी मिली। मैं ही नहीं, मेरे अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं इसमें आए हैं जो कभी सोच नहीं सकते थे कि इस प्लेटफॉर्म पर आऊँगा। अगर हम बात करें आप जो यहाँ कुछ मधुबनी पेंटिंग के जो उत्पाद लगाए हैं, इसकी क्या खासियत है? मधुबनी पेंटिंग जो है वो हम तो इस कला के क्षेत्र में बहुत सारे क्रांति मशीनीकृत क्रांति हो गया, उसमें मधुबनी पेंटिंग की क्या ऐसी विशेषता है जिसे और कलाओं से और जो चित्रकारी है उससे अलग करता है? उसका एक ये कारण है कि इसमें अभी बहुत सारे यंग जनरेशन निकले हैं, जैसे कि मशीनकारी ये नहीं हो पा रहा है, हैंड वर्क है, लोगों को रोजगार नहीं होता। और अभी मेरे ख्याल से लगभग 2 लाख से ऊपर लोग हैं वर्ल्ड वाइड ले जाते हैं, अभी दूसरे जगह देश में। आगामी क्या अपेक्षाएँ हैं आपको? अपेक्षा यही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखते हैं, इसके बारे में समझ आए और लोग अच्छे एक्सपोर्टर हैं और इसका इंफॉर्मेशन। अच्छा, मैं EPCH की बात कर रहा था और आप जैसे आपने कहा कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्र से आप आते हैं यहाँ तक, EPCH का जो यह पूरा आयोजन है इसको आप किस प्रकार से देखते हैं और अगर हम बात करें कि उसके भूमिका की और यहाँ की पूरी व्यवस्था की तो क्या लगता है आपको, कैसा व्यवस्था? अच्छा व्यवस्था है, बहुत ही अच्छा व्यवस्था है, इस तरह से और एग्जीबिशन में नहीं होता है जैसा कि यहाँ व्यवस्था लेकाना और प्रोग्राम में आप जाएंगे तो इस तरह से नहीं होता है, आपको सारा कुछ खुद करना है, जैसे जैसे लोग गुजारा करते हैं तो बहुत सारा एग्जीबिशन देखते हैं, लेकिन इस तरह का व्यवस्था पहले है। हाँ, इसी स्टॉल में हमारे साथ एक सहयोगी बात करते हैं आपसे, एक दो प्रश्न मेरा ऐसा है, पहले कुछ दिन पहले तक मधुबनी पेंटिंग को एक घरेलू व्यापार के रूप में से देखा जाता था और खास करके एक महिला के सीमा में ही ये सीमित था कि घर की जो महिलाएं हैं वही इसे करती थी और थोड़ा बहुत जीविकोपार्जन के लिए धन का भी उपार्जन होता, लेकिन अब परिदृश्य बदल चुका है, अब लोग इसको व्यापार के तौर पर देखते हैं और जो पढ़े लिखे लोग जो युवा हैं वो भी अब इसमें आ रहे हैं एक बड़े पैमाने पर। ये बदलाव जो है कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहूँगी कि मधुबनी पेंटिंग जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है बेसिकली बिहार में, पहले लोग इसके बारे में जानते थे बट उनको इतना आइडिया नहीं था कि इसके कितने ब्राइट कलर्स होते हैं, ये कितनी नेचुरल चीज़ों से जुड़ के बना हुआ है। सो मेनली जो मैंने जो ऑब्जर्व किया है यहाँ पे आके, मोस्टली जो आपके फॉरनर्स हैं इंडिया में ही नहीं, लोग इसको फॉरन में भी इसको बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं और इसके लिए मतलब
जैसा मैंने देखा बहुत ऑर्डर्स भी वो लोग प्लेस करते हैं, वो लोग क्यूरियस थे इस सारी चीज़ों को खरीदने के लिए। तो आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि इंडिया में ही नहीं, मतलब एक छोटे व्यापारी नहीं, ये एक बड़ा बिजनेस सेगमेंट में टर्न हो सकती है। दूसरी बात कि आप यहाँ अभी आज पहला दिन है, तो अब जो दो दिन आने वाला है, क्या उम्मीद है, क्या अपेक्षा के साथ वहाँ से चलकर यहाँ करना है? मैं पर्सनली बताऊँ कि पेंटिंग मेरा पैशन है और मधुबनी मुझे इसलिए अट्रैक्ट करता है क्योंकि इसके जो अपने नेचुरल कलर्स हैं वो अपने आप ही ब्यूटी एनहांस करते हैं। सो वही एक मेन चीज़ है जो मुझे वहाँ से यहाँ लेके आई है। आई एम जस्ट होपिंग कि विद इन 3 डेज ये अपना कुछ ना कुछ फिल्म लेके आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हम सरल भाषा में थोड़ा सा इस पर और विचार करें या इस पर चर्चा करें, तो मैं आपको बताऊंगा 2003 में जो तत्कालीन सरकार थी केंद्र में, उसके द्वारा एक अधिनियम के माध्यम से ये भौगोलिक संकेत GI टैग की बातचीत शुरू की गई थी और इसे जो है स्वीकृति मिली थी। उसके बाद 2005 में तत्कालीन केंद्र सरकार के द्वारा इस कानून को पारित कर दिया गया और तब से ही भारत में ये GI टैग की जो परंपरा है, क्षेत्र विशेष के जो उत्पाद हैं उनकी दुर्लभता को बचाए रखने के लिए और उनकी महत्ता को वैश्विक स्तर पर प्रसार देने के लिए ये भौगोलिक संकेत जो जिसकी सूची तैयार की गई, अब तकरीबन भारत में 390 ऐसे उत्पाद हैं जिन्हें इस सूची में स्थान दिया गया है। और एक बात बता दूं कि हम आज़ादी के अमृत वर्ष में हैं और इस 75वें वर्ष में, इस वर्ष में भारत सरकार द्वारा भारत के अलग अलग हिस्सों के 75 उत्पाद को भौगोलिक संकेत के सूची में जगह मिला है। तो हमारे साथ राजीव जी थे और उनके सहयोगी थे, हम मधुबनी पेंटिंग के स्टॉल पर थे, कैमरा सहयोगी विनय के साथ रंजन अभिषेक।